राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूं बच्चों के विवाह में हो रहे विलंब के बारे में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़कियां हो। विवाह में बहुत अधिक विलंब हो गया है, या तो रिश्ते ही नहीं आ रहे, आते हैं तो सही लोगों से आपका मिलना नहीं हो रहा है, या बात चलते चलते आपकी एंड मोमेंट पे खत्म हो जाती है। तो ऐसी क्या कारण है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको डाल रखे हैं और वो सारे उपाय काम करते हैं। अगर आप श्रद्धा भाव से करते हैं तो सारे ही काम करते हैं, लेकिन आज मैं कुछ आपको विशेष उपाय इसमें बताने जा रही हूँ। थोड़ा मैं इसमें आपको वास्तु भी आपको बताऊंगी इसमें, कि बहुत बार आपका वास्तु घर का, या आप जहाँ रह रहे हैं वो वास्तु भी आपके लिए मैटर करता है, जहाँ आपके संबंध नहीं होने देता है। क्योंकि बच्चों के विवाह के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कियों के लिए जहाँ बृहस्पति कारक होते हैं, लड़कों के लिए शुक्र कारक होते हैं, साथ में मंगल का मजबूत होना जरूरी है। बिना मंगल के हुए आपके घर में मंगल कार्य नहीं हो सकते। तो इस विषय पर बात करूंगी पूरी, आपको इसके बारे में आपको कारण और निवारण दोनों दूंगी, यानी उपाय भी बताऊंगी, साथ में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल नहीं है तो इसे आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो विवाह के लिए परेशान हो रहा है, या लड़के हैं लड़कियां हैं, उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिए। क्योंकि आजकल एक तो करियर बनाने के चक्कर में बच्चे लेट हो जाते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के, वो करियर बनाने के चक्कर में पहले करियर बना ले, अच्छी जॉब हो जाए, अच्छी पोजीशन हो जाए, तो वो शादी के लिए डिले करते चले जाते हैं। कभी लड़का तैयार नहीं होता, कभी लड़की तैयार नहीं होती, कभी हाँ या ना, या कभी सही रिश्ते नहीं मिलते हैं, वो भी एक कारण होता है कि आपका समय से विवाह नहीं हो पाता है। इस तरह से आपकी उम्र निकलती जाती है, क्योंकि पहले, यानी आज से कम 10-15 साल पहले, एक जो लड़कियों की शादी के लिए जो उम्र हुआ करती थी वो 20 से 22 साल की हुआ करती थी, और लड़कों के लिए जो होती थी वो 24 से 25 साल की। लेकिन अब ये बढ़कर पहुंच गई है, लड़कों के लिए पहुंच गई है 28 साल और लड़कियों के लिए पहुंच गई है 26 साल। एक तो उम्र का, बच्चों का करियर बनाने के चक्कर में डिले करते चले जाते हैं, कुछ माता पिता भी ये सोचते हैं कि अपनी पसंद का कर लेंगे, जिससे उन लोगों के बीच में सामंजस्य बना रहे, हम उनके बीच में कहां लड़का ढूंढेंगे कहां लड़की ढूंढेंगे, वो भी एक कारण होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप लड़कियों की कुंडली की बात करूं मैं, तो बृहस्पति कमजोर होगा तो आपका रिश्ता आपका समय से होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो सप्तम का कारक है, आपकी कोई भी राशि हो, आपका जहां सप्तमेश, सप्तम में जो राशि बनी हुई है, अगर वो राशि स्वामी आपका गुरु के साथ में, अगर वो राशि स्वामी आपका पीड़ित है, कमजोर है, या दशाएं आपकी ऐसी चल रही हैं जहां ना तो गुरु का और ना ही आपके सप्तम भाव के स्वामी का कहीं भी मैत्री में नहीं है, तो आपका संबंध नहीं होता है। यही हाल लड़कों के में होता है। शुक्र कारक होते हैं, शुक्र नीच के हैं, शुक्र कमजोर हैं, या शुक्र का सप्तम से कोई संबंध नहीं बन रहा है, तब भी लड़कों का भी विवाह में विलंब होता जाता है। या आपका मंगल आपके सप्तम भाव के साथ में मैत्री में नहीं है, तब भी आपके लिए विवाह में विलंब होना शुरू हो जाता है। वास्तु की बात मैं करूं आपके घर की, तो क्योंकि ईष्ट का कारक गुरु ही होते हैं, आपके घर का जो ईष्ट का कोना है, अगर वो कहीं किसी भी तरह से वहां पर टॉयलेट लेटरिन बाथरूम आपने बना रखे हैं तो आपके लिए विवाह के रिश्ते नहीं आते, या वहां आपने उसको अपने दक्षिण से अपने जो ईस्ट का कोना है वो आपका ऊंचा है आपके घर में, तो आपके लिए रिश्ते नहीं आपके टाइम से होता, या वहां पर आपने बहुत अधिक ग्रीनरी यानी हरा कलर आपने वहां पर पेड़ पौधे बहुत अधिक लगा दिए हैं, ये भी एक कारण बन जाता है कि बच्चों के शादी विवाह टाइम से नहीं होते। तो पहली, यहां पर अगर आपके टॉयलेट लेटरिन बाथरूम बने हैं तो उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए, वहां लाइट ब्राइट कलर के वहां पर इस्तेमाल कीजिए, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं तो उन्हें हटा दीजिए, अगर आपने गमले इत्यादि लगा रखे तो उन्हें भी हटा दीजिए। अपने कुलगुरु की प्रार्थना अपने कुलगुरु का आदर सम्मान कीजिए, क्योंकि जब भी आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कुल गुरु का सम्मान नहीं हो रहा है, या बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा है, तो नियमित दर्शन करके आइए। मंदिर में जाकर अगर जा सकते हैं तो नहीं, अपने घर के मंदिर में ही आप दर्शन कीजिए, गुरु के मंत्रों का जाप कीजिए, हल्दी केसर का तिलक जरूर लगाइए,
अभी मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़कियों का एक फोटो, जिस भी लड़की के विवाह नहीं हो रहा उसकी एक फोटो साउथ वेस्ट सॉरी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप एक उसको एक अच्छे से फ्रेम में लगाकर लगा दीजिए, साथ में ही एक पीतल के लोटे में किसी भी पवित्र नदी का जल भर के उसको ढक्कन रख के आप इसको अपने नॉर्थ के कॉर्नर में आप स्थापित कर दीजिए। लोगों के साथ में अच्छे रिश्ते आएंगे आपके घर में, लोगों ने अच्छी आपके कनेक्शन बनेंगे। साथ में एक काम और करना है आपको, एक हैप्पी मैरिड कपल का चाहे तो स्टेचू लाकर आप अपने लगा दीजिए, या फिर अपने ही माता पिता की एक अच्छी सी फोटो स्माइल करती हुई एक फोटो गोल्डन फ्रेम में आप साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे लगा दीजिए। साउथ वेस्ट के कॉर्नर में कपल का एक स्टेचू भी रख सकते हैं और साथ में एक फोटो भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक काम कर लीजिए, आपके लिए विवाह का योग जल्दी खुल जाएगा। अब मैं लड़कों की बात करूं तो जिसमें मैंने आपको लड़कियों के लिए बताया कि ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप तो जरूर ही करना है लड़कियों को डेली एक माला। लड़कों के विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो अगर उनका शुक्र खराब है तो एक कहीं ना कहीं उनके यहाँ उनके परिवार में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, तो पहले महिलाओं को सम्मान दीजिए। साथ में किसी भी माता के मंदिर में शुक्रवार शुक्रवार एक नारियल पानी वाला नारियल चुनरी में लपेट कर सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर माता के चरणों में अर्पित करके आइए। अपने घर का लड़कों के लिए आप साउथ का कॉर्नर साउथ ईस्ट का कॉर्नर चेक करिए, कहीं वहां पानी की कोई व्यवस्था तो नहीं है, किसी तरह के टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम तो नहीं बने हैं, कहीं कटा तो नहीं है, कुछ इस तरह की स्थितियां हैं तो वहां अगर बाथरूम टॉयलेट लैट्रिन है तो बंद कर दीजिए। वहां रेड कलर को आप एनहेंस कीजिए, यानी कि बाहर की तरफ एक रेड कलर का 0 वाट का बल्ब जलाकर छोड़िए और बच्चे की एक फोटो सुंदर सी आप रेड कलर के फ्रेम में साउथ ईस्ट के कॉर्नर में आप लगाइए, वहां बच्चे की फोटो प्लेस कर दीजिए। और यही जो दूसरा वाला उपाय है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में अपने माता पिता की फोटो एक गोल्डन फ्रेम में आप लगा दीजिए, आपके लिए ये विवाह का योग खुलेगा। और साथ में ही लड़कों को शुक्र के बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का डेली एक माला आपको जाप करना है। ये तो हुई बृहस्पति और शुक्र की बात, अब मंगल को मजबूत करना है। तो मंगल को मजबूत करने के लिए आपको नियमित हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, साथ में ही आपको जो आपके पास थोड़ा सा गुड़ या शहद दोनों में से किसी एक चीज का आप नियमित सेवन कीजिए। आपको अगर अपनी कुंडली से पता है, अपनी राशि से आपको पता है सप्तम भाव के स्वामी कौन है, उस सप्तम भाव के स्वामी का आप कलर ज्यादा पहनिए, उनसे संबंधित चीजों का आप सेवन करिए और उस कलर को उसके उससे संबंधित देवी देवता की भी आप आराधना कीजिए। मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना जरूर कीजिए, महीने में एक बार जरूर आप मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए, वहां पर हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए अपने शीघ्र विवाह के लिए और नियमित हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। देखिए आपकी ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए विवाह का ये योग खोल देंगे और आपका विवाह शीघ्र हो जाए, लेकिन हाँ उसके लिए प्रयास जरूर करना पड़ेगा। एक चीज और दोस्तों, अपने घर में पहले तो अपनी छत पे से फालतू सामान हटा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी घर पे छत पे अगर फालतू सामान पड़ा हुआ है, भीगी लकड़ी, जंग लगा लोहा या फालतू का कचरा पड़ा हुआ है, तो इससे आपका शुक्र खराब हो जाता है, आपके घर का राहु एक्टिव हो जाता है। तो चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनका संबंध के लिए बात आगे बढ़ती नहीं है, आपसे किसी का मन नहीं मिलता है, तो पहले उसे हटवाइए। सबसे पहले अपनी छत को क्लियर करिए, बिल्कुल गंदगी वहां से साफ हटा दीजिए। इसके अलावा अपने घर में घड़ियां चेक करिए, कहीं आपके घर की घड़ियां बंद तो नहीं पड़ी हैं या कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं लगी हैं, या आपने उन घड़ियों में कोई भी घड़ी आगे पीछे चल रही है, तो पहले अपने घर की घड़ियां चेक करिए, घड़ियां एक समय से चल रही हो सारी, वो आपके लिए जरूरी है। बंद घड़ियां हैं तो उन्हें अपने घर से बिल्कुल हटा दीजिए, नहीं तो उन्हें चालू अवस्था में रखिए। और अगर विवाह नहीं हो रहा है तो लड़कों के लिए विशेष रूप से साउथ ईस्ट के कॉर्नर में एक त्रिकोण वाली घड़ी, जो कि ट्रायंगल वाली घड़ी हो, वो लाकर वहां पर आप टांग दीजिए, तो आपके लिए आपका समय आपका साथ देने लगेगा, आपका विवाह समय से हो जाएगा। और लड़कियों के लिए मैं उपाय बता चुकी हूं, तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आप क्वेश्चन लिखेंगे शायद मैं ना पढ़ पाऊं और आपको नहीं जवाब मिले, आप वीडियो को 2-3 बार चलाकर सुनेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, देखिए अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करने से आपको आपका सप्तम भाव आपका जागृत होता रहता है, तो प्लीज जो भी लड़के लड़कियां शादी विवाह करना चाहते हैं उन्हें जादुई अक्षर, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर तो करना ही करना है।
जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, नवग्रह पर आधारित होता है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर ग्रह को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग है जिसमें ना तो समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करते हैं तो सबसे पहले आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं। 4 जुलाई 2022 दिन सोमवार, आज का राहु काल है सुबह 7:12 से 8:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ी सी मिश्री का सेवन करना है। मिश्री का सेवन आप चाहे तो ईश को अर्पित कर दीजिए या ऐसे ही आप नाश्ते में मिश्री का सेवन कीजिए। आज का जादुई अक्षर है चंद्र वाला चा। इस चा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष हो, ऐसे में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ब्लू कलर से 8 नंबर लिखेंगे, यानी 8 अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों आप भी मुझे क्वेश्चन लिखकर भेजते रहते हैं, उन क्वेश्चन का जवाब मैंने संडे वाले वीडियो में 12:11 पर एक वीडियो अलग से अपलोड किया है, तो प्लीज आपको नहीं मिला है, मिला है तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसको देखिए, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, वहां आपको आंसर मिले हैं, तो आप जाकर वहां पर उसे चेक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन में साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510, इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। इसके अलावा कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपने बारे में जानना चाहते हैं, कोई एक क्वेश्चन है तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, एक क्वेश्चन मुझे सेंड कीजिए। अगले संडे का जो वीडियो आएगा उसमें आपको आपका आंसर मिल जाए, क्योंकि मैं वहां पर 5 कुंडलियां तो लेती ही लेती हूँ दोस्तों, वो भी रैंडमली सेलेक्ट होती हैं। सो आप भेजते रहिए, इसी तरह से अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।